हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की प्रॉब्लम को। फर्स्ट प्रॉब्लम है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द लैम्डा एच फॉर हाइड्रोजन एंड लैम्डा डी इन्होंने डिनोट किया है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामा स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम एटम रिस्पेक्टिवली। तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो बामा सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि ट्रांजिशन थर्ड लेवल से सेकंड लेवल में हो रही है। दोनों ही केस में थर्ड से सेकंड लेवल में ट्रांजिशन हो रही है। इन्होंने कहा इग्नोरिंग द फाइन एंड हाइपरफाइन स्ट्रक्चर द परसेंटाइल डिफरेंस बिटवीन लैम्डा एच एंड लैम्डा डी ओवर लैम्डा एच इंटू 100 क्या होगा, वो रेशियो हमसे पूछा गया है। तो देखिए, हमें पता है कि जो वेव नंबर की रिलेशन होती है इन केस ऑफ बामा सीरीज वो क्या होती है, न्यू बार इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर एम। एम लिखा है हमने, ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है किसी भी उस एटम के लिए जिसके न्यूक्लियस का मास क्या हो, एम हो। वन ओवर एन फाइनल स्क्वायर माइनस वन ओवर एन इनिशियल स्क्वायर। बामर सीरीज में अभी मैंने बताया एन फाइनल टू होता है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो एन इनिशियल क्या होगा, थ्री होगा। अब आप हाइड्रोजन के लिए अगर इस फॉर्मूले को लिखें तो आर एम की जगह पर आर एच आ जाएगा और ड्यूट्रियम के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर डी आ जाएगा। बाकी जो टर्म्स हैं वो सेम रहेंगी क्योंकि ड्यूट्रियम क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो जेड की वैल्यू दोनों ही केस में वन रहेगी। अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेशियो आ जाएगा न्यू एच ओवर न्यू बार एच ओवर न्यू बार डी इज इक्वल टू आर एच ओवर आर डी। और आर एच या आर एम को अगर आप इन्फाइनाइट रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ रिलेट करें तो ये रिलेशन इस तरीके से रहता है कि आर एम इज इक्वल टू आर इन्फाइनाइट ओवर वन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो जो ड्यूट्रियम है उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, एक प्रोटोन होगा आपका और एक न्यूट्रॉन होता है, और जबकि हाइड्रोजन में क्या होगा, एक अकेला प्रोटोन होगा। तो यहाँ पे जो मास ऑफ ड्यूट्रियम न्यूक्लियस का मास करेंगे वो टू टाइम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस हो जाएगा। तो यहाँ से ये रेशियो आप इसको लिख सकते हैं, न्यू बार जो हमें पता है कि वन ओवर लैम्डा होता है, वन ओवर लैम्डा एच ओवर वन ओवर लैम्डा डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन प्लस एम ओवर टू एम प्लस वन प्लस एम ओवर कैपिटल एम। अब हमें पता है कि जो आपका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास होता है नियर अबाउट 1836 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप देखें तो ये रेशियो जो आएगा 0.9973 आएगा। बट आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये डिफरेंस ओवर दिस पूछा गया है, इसको डिवाइड करें तो वन माइनस ये सेम रेशियो आ जाता है। तो इसको वन में से सब्ट्रैक्ट करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आपका देगा 0.027 विच इज नियर अबाउट 0.3। तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ सोलर प्रोब मिशन डिटेक्ट द फ्रैक्शनल वेवलेंथ शिफ्ट डेल्टा लैम्डा और लैम्डा वहां पे दिया गया है किसी भी लैम्डा 630 नैनोमीटर के लिए विद इन अ सन स्पॉट टू बी द ऑफ द ऑर्डर 10^-5। तो ये जो शिफ्ट उन्होंने दिया है वो 10^-5 का दिया है। अज्यूमिंग दिस शिफ्ट इज कॉज बाय द नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट, अगर ये शिफ्टिंग जो हो रही है वो नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट की वजह से हो तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कितना है इन द टर्म ऑफ टेस्ला। तो देखिए, नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में जो शिफ्टिंग होती है उसमें वेव नंबर का जो सेपरेशन यहाँ पे आता है तीनों लाइंस में वो होता है ई बी ओवर 4πmc के इक्वल, और हमें पता है कि वेव नंबर 1/λ के इक्वल होता है। अगर इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा लैम्डा और लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, विच इज इक्वल टू लैम्डा न्यू बार। और यहाँ पे आप जो भी गिवन है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट, ये वैल्यू पुट करके यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करें बाय पुटिंग ऑल द कांस्टेंट तो बी क्या आ जाएगा, 0.3 टेस्ला। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा से पूछा गया है। इन अ रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ऑफ आइडलाइज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इग्नोरिंग, इसने कहा है कि रोटेशनल वाइब्रेशन और कपलिंग को आप इग्नोर कर दें। इग्नोर करने से क्या बेनिफिट होगा, देखिए जब आप वेव नंबर लिखते हैं इसमें तो वेव नंबर में यहाँ बी वी लिखा जाता है क्योंकि बी वैल्यू जो होती है वो हर एक वाइब्रेशनल लेवल के साथ चेंज होती है, बट क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि हम इग्नोर कर दें तो बी सेम रहेगा दोनों वाइब्रेशनल लेवल के लिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा क्या कहा है कि दो ट्रांजिशन वहाँ पे देखने को मिलती है बिटवीन एडजेसेंट वाइब्रेशनल लेवल। इसका मतलब है कि अगर आप वी प्राइम माइनस वी डबल प्राइम करते हैं तो वो वैल्यू वन देगा क्योंकि आसपास के हैं दोनों लेवल। वेवलेंथ उन्होंने कहा है कि लैम्डा वन है, कॉरस्पॉन्डिंगली किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एक ट्रांजिशन हो रही है जे प्राइम जीरो से जे डबल प्राइम वन में और सेकेंड ट्रांजिशन हो रही है जे प्राइम वन टू जे डबल प्राइम जीरो में।
अब यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि मास इतना है हमारे पास, और जो आपकी बॉन्ड लेंथ है आर की वैल्यू दे दी उन्होंने, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे दी, आपसे पूछा गया कि रेशियो कितना है। तो यहाँ पे जनरली जब हम स्पेक्ट्रम में नोटेशन पढ़ते हैं बुक्स में, तो जनरली हम पढ़ते हैं कि अपर लेवल को हम सिंगल प्राइम से डिनोट करते हैं, लोअर लेवल को डबल प्राइम से डिनोट करते हैं। बट आयर स्पेक्ट्रा जो हमारा देखा जाता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा जाता है। और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझते तो ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि ये हॉट कार्बन मोनोऑक्साइड है कि एमिशन हो रहा है, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, जे सिंगल प्राइम से जे डबल प्राइम में, यानी नीचे वाले लेवल को उसने सिंगल प्राइम से डिनोट किया, ऊपर लेवल को डबल प्राइम से। तो पहली ट्रांजिशन जे सिंगल प्राइम जीरो से जे डबल प्राइम वन में हो रही है, ये कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ वेवलेंथ होगी लैम्डा वन। और सेकेंड ट्रांजिशन हमारी हो रही है जे सिंगल प्राइम वन से जे डबल प्राइम जीरो में, और यहाँ वेवलेंथ हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा टू वेवलेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू निकाले, बी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, एच ओवर एट पाई स्क्वेयर सी आर, और आई सॉरी तो यहाँ पे आई को लिख सकते हैं म्यू आर स्क्वेयर, म्यू रिड्यूस मास हो जाएगा, आर बॉन्ड लेंथ होगी। सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू अगर पुट करें तो बी की वैल्यू हमारी ये निकल के आती है। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास न्यू ऑसिलेशन की वैल्यू है, बट हमें न्यूमेरिकल में ओमेगा आई की वैल्यू चाहिए, तो रिलेशन ये होता है यहाँ से ओमेगा आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब देखिए टोटल वेव नंबर क्या होगा, ये आपकी वाइब्रेशनल टर्म है, ये रोटेशनल टर्म है, इसके इक्वल होता है। अगर आप हर एक ट्रांजिशन के लिए निकालें तो इसको क्या करेंगे, इसके इसमें से माइनस अगर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों के बीच में वन है, तो ये तो ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा ही प्लस ये डबल प्राइम अपर वाला माइनस लोअर वाला हो जाएगा। तो पहली ट्रांजिशन में जहां अपर वाले की जो वैल्यू है वो क्या है, वन है, और लोअर की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, प्लस टू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा ही प्लस टू बी। सेकेंड ट्रांजिशन में अपर की वैल्यू जीरो है, लोअर की वैल्यू वन है, ये जीरो है ये वन है, तो ये क्या आ जाएगी, माइनस टू बी। तो रेशियो हमारे पास ये आ जाएगा। और अभी अभी हमने जैसे पढ़ा है कि जो वेव नंबर होता है वो वेवलेंथ के अपोजिट रेसिप्रोकल होता है। अगर ये न्यू वन ओवर न्यू टू है तो ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा टू ओवर लैम्डा वन के। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लैम्डा वन ओवर लैम्डा टू, तो लैम्डा वन ओवर लैम्डा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ओमेगा ई माइनस टू बी और ओमेगा ई प्लस टू बी। ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.9961।